अस्सलाम वालेकुम। आज ऑटोकैड के इंस्टॉलेशन के बाद उसके इंटरफेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरफेस को आसान से आसान बनाऊँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप बेसिक थोड़ा सा काम इस पर कर सकें। पहली वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन सीखी थी। इंस्टॉलेशन के बाद ये जो सेकंड वीडियो है, इसमें हम कुछ मेन्यूज के बारे में समझेंगे, कुछ इंटरफेस के बारे में समझेंगे, कुछ इसके नीचे चीज़ें दी हुई हैं, सारे को बारी बारी अंडरस्टैंड करेंगे। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है जो इंटरफेस के ऊपर है। इसमें यहाँ पर हम फाइल मेन्यू में जाएँगे। फाइल मेन्यू में काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें न्यू है, न्यू शीट है, ओपन, ओपन शीट, लोड, मार्कअप है, और बाकी कुछ ऑप्शन ऐसी हैं जिनसे आप पहले से फेमिलियर हैं, जैसे सेव है, सेव एज है। यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सपोर्ट को यूज़ करेंगे, कुछ प्रिंट टाइम फाइल मैनेजर भी यूज़ करेंगे। इसका थोड़ा सा सेटअप बताऊंगा कि जो लोग इस सेटअप को समझ जाते हैं, उनके लिए ड्राइंग्स को बनाना, पब्लिश करना और बार बार एक सेटअप को जो है ना यूज़ करना बड़ा आसान हो जाता है। आप अगर 50 ड्राइंगें बना रहे हैं और उनके लिए एक सेटअप बना के रखा हुआ है, तो आपको हर ड्राइंग के लिए अलग अलग सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। शीट के नीचे कैसे आप फुटर लगाते हैं, कैसे आप टैब बनाते हैं, कैसे लेआउट, कैसे एक टूल टेक्स्ट बार बना लेते हैं, नेम बॉक्स बना लेते हैं, तो उसको बार बार कैसे यूज़ करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ड्राइंग की यूटिलिटीज़ क्या हैं, वो करंट ड्राइंग जो आप बना रहे हैं उसकी ड्राइंग की यूटिलिटीज़ क्या हैं वो आपको बताऊँगा। ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें कुछ ऑप्शन हम क्विक थ्रू के हम देख लेंगे, ताकि हम ड्राइंग को स्टार्ट कर सकें। तो आज मैं मेन्यू के बारे में आपको बताऊँगी। हमारा पहला मेन्यू है जो बेसिक हर सॉफ्टवेयर के ऊपर आता है। हर सॉफ्टवेयर की अपनी यूटिलिटीज़ हैं, कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें शो की जाती हैं। जैसे एडिट मेन्यू है, इसमें वही कट कॉपी पेस्ट है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम से काफ़ी सारे लोग टेक्निकली वाकफ़ होंगे। ये हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं कि आप एक्सिस में जाना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस में जाना चाह रहे हैं। तो हम बेसिक जितनी भी ड्राइंग अभी डिस्कस करेंगे, ये सारी 2D के बारे में होगी। जैसे एक्स और वाई एक्सिस है, ये दो एक्सिस हैं, ये 2D एक्सिस, टू डायमेंशनल एक्सिस हैं। जब हम 3D में जाएंगे, एक्स वाई जेड आ जाएगा, तो उसको हम लेटर ऑन अपने एडवांस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जो बिल्कुल बेसिक और स्क्रैच से ऑटोकैड को सीखना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, उसमें ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं, guru.com पे, fiverr.com पे, और उस वो उन बेसिक कोर्सेज पे डिजी स्किल्स है, यूट्यूब लर्निंग है, तो उसको छोटी छोटी वीडियोस को बार बार देख के, एक एक कमांड को देख के करने से। जो मैं आपको इस कोर्स में इंशाल्लाह शॉर्ट वेज भी बताऊंगा, इसमें कुछ क्विक वेज भी हैं वो भी बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आप इसे बहुत जल्द ड्राइंग्स बनाना सीख जाएंगे। तो हमारा ये मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, इंसर्ट है, कुछ ड्राइंग इंसर्ट कर सकते हैं, हार्ड फॉर्म में PDF हैं, इमेजेस हैं, फॉर्मेट उसके क्या क्या हो सकते हैं, टूल्स हैं। तो ये हमारी टूल बार, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे ज़्यादा हमारी डायमेंशन बार और मॉडिफाई बार बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। और एक्सप्रेस बार, ये हमने जब इंस्टॉलेशन के टाइम देखा था कि इसमें जब हमने एक्सप्रेस बार इंस्टॉल की थी, तो कुछ स्पेशल मेन्यू अलग से बना के दिया। हालांकि डायमेंशन मेन्यू यहाँ पे भी है, और लेकिन डायमेंशन मेन्यू यहाँ पे भी है, मॉडिफाई मेन्यू यहाँ पे भी है, लेकिन मॉडिफाई इन दोनों के डिफरेंट काम है। तो मैं इंशाल्लाह वक्र के साथ साथ बताऊँगा आपको। तो ये हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है, वही जो यहाँ से हम न्यू फाइल करते हैं, यहाँ पे उसका आइकन रख दिया है, ये ओपन है, ये सेव है, ये प्रिंट है। इसी तरह ये प्रॉपर्टीज़ का है, मैश प्रॉपर्टी, अनडू, पैन करना, कैसे ड्राइंग पूरी को मूव करना है, जूम करना है, किसी खास हिस्से को जूम करना है, तो ये सारे इसमें आ जाएंगी। और यहाँ पे अभी हमने क्लासिक है, तो हम इसको 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और वर्क स्पेस में भी ले जा सकते हैं। तो ये मेन्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये हमारा इंटरफेस है, जिसे वर्क एरिया कहते हैं। इस वर्क एरिया के अंदर हम काम करेंगे। ये हमारा इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप व्यू मेन्यू में जाके आप यहाँ से डिस्प्ले में जाएं, तो यहाँ मैं बताऊँगा आपको सारा तरतीब के साथ ना। तो ये भी ब्लैक है, ब्लैक इसे पे काम करेंगे तो ये वाइट तरीके लाइंस ड्रा करेगा। अगर इस इंटरफेस को सारे को वाइट कर देते हैं तो ब्लैक लाइन ड्रा करेगा। लेकिन ह्यूमन विजिबिलिटी जो है ना, वो हमेशा डार्क एरिए पे वाइट लाइन ज़्यादा विजिबल होती है, तो इसलिए हमने इसके इंटरफेस को ब्लैक रखा हुआ है। ये हमारी टूल टिप्स हैं, ये हमारे टूल बार्स कह रहे हैं इनको हम। ये आपको दो बार्स नज़र आ रही होंगी, ऊपर भी दो बार्स नज़र आ रही, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके पकड़ के इसको कहीं पे भी ड्रैग करके ले जा सकते हैं, जहाँ पे आपको इजी लगे इंसर्ट करना, रखना, एडजस्ट करना। जहाँ पे आप छोड़ेंगे मेन्यू वहीं पे आ जाएगा।
ठीक है जी, ये नीचे आ गया है, थोड़ा सा इसे सेट पे निकालते हैं, इसके साथ आ जाएगा, हम इसे इधर एडजस्ट कर देते हैं। आप ये चाहे तो लेफ्ट साइड पे एडजस्ट कर लें, चाहे तो राइट साइड पे एडजस्ट कर लें, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं कि लाइन के बारे में सीख लें, सोचेंगे कि लाइन लगाना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन लाइन लगाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लाइन को महारत के साथ लगाना वाकई मुश्किल काम है। जैसे ही हम इस पर आइकन पे आते हैं तो इसके ऊपर लिखा जाता है लाइन, हाउ यू ट्राई लाइन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा आप नीचे, ये हमारी कमांड लाइन्स है, कमांड लाइन्स में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन चेंज हो गई है। तो यहाँ पे लिखा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप आएंगे, देखें यहाँ पे ये ब्लू आइकन है, एक वाइट बॉक्स के अंदर कुछ वैल्यूज ऑटोमेटिक चेंज हो रही हैं, जैसे मैं कर्सर ऊपर या नीचे लेके जा रहा हूँ। तो ये वो पॉइंट्स बता रहा है जो इस वाई और एक्स एक्सिस के हिसाब से आप चेंज हो। अगर एक्स एक्सिस की तरफ चेंज आएंगे तो ये एक्स एक्सिस के पॉइंट चेंज हो रहे हैं। अगर वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, देखें वाई एक्सिस के, ये एक एक्स का है और वाई का बॉक्स है। देखें जब मैं वाई की तरफ जा रहा हूँ तो सिर्फ वाई वाला बार चेंज हो रहा है, और जब मैं सिर्फ एक्स एक्स की तरफ जाऊंगा तो सिर्फ एक्स वाला चेंज है। लेकिन अगर मैं डायगोनली जाऊंगा तो दोनों चेंज होंगे। इससे पता लगता है कि हम जहां भी जाके फर्स्ट पॉइंट रिप्लेस करेंगे वो डायमेंशन हम आसानी से इस बॉक्स के अंदर देख सकते हैं। अभी मैं फिलहाल एस्केप का बटन दबा के लाइन ड्रा नहीं करने लगा, जस्ट एस्केप का बटन लगा के कैंसिल कर दिया। मैं दूसरा मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप जस्ट लिखेंगे एल और एंटर कर देंगे तो फिर भी वही पॉइंट आ जाता है कि आप दोबारा लाइन ड्रा करने लगे। तो लाइन ड्रा करने के दो मेथड है, एक तो आप आइकन से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे एल लिख सकते हैं, या ड्रा के इस मेन्यू में जाएं और यहाँ पे लाइन की ऑप्शन मौजूद है, इस लाइन की ऑप्शन से आप जाके स्क्रीन पे लाइन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आपने एल लिखा तो ये कहता है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, लेकिन देखिए जब हम आइकन पे क्लिक करते हैं तो फिर क्या कहता है, कमांड अंडरलाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो ये डिफरेंट मेथड है, लेकिन होगा दोनों तरीकों से क्या, फर्स्ट पॉइंट को मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी फर्स्ट पॉइंट एक बना देता हूँ। जैसे ही एक फर्स्ट पॉइंट क्लिक करता हूँ उसके बाद आप देखें कि इसके टॉप पे 0 0 हो गया है, इसके आइकन के ऊपर 90 डिग्री लिखा आ गया है, स्पेसिफिक नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि अब नीचे मेन्यू में आप पढ़ें या कोई अगला पॉइंट कहाँ पे देना है। अगर आपका तो पॉइंट ठीक है फिर तो सही है, अगर गलत लग गया तो आप इसको अंडू भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ अंडू। अब देखें एक पॉइंट हमारा फिक्स हो गया, आप कर्सर को जैसे ऊपर नीचे मूव करेंगे तो ये हमारा कर्सर ऊपर नीचे जाएगा। अब एक तो मेथड ये है कि ये देखिए मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे थोड़ा सा रखूंगा, ये हमारी यहाँ पे ट्रैकिंग है, ये मैं बताऊंगा लेटर ऑन। अभी देखिए मैं ट्रैकिंग को ऑफ कर देता हूँ, तो डिजिटल ट्रैकिंग है, टैब्स हैं, इन सबको ऑफ कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे। अब देखिए जैसे ही हम 90 डिग्री एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ तो एक्स एक्सिस के देखें उसको खुद ही उसको डॉटेड लाइन में शो कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ इधर शो कर रहा है। यहाँ पे एंगल देखें दिखा रहा है पोलर 37.5397 लेस देन 0 डिग्री। लेस देन 0 डिग्री डजंट मीन कि ये 0 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब होता है लेस देन का साइन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एंगल को। एक तो ये है कि मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूँ कहीं पे भी, ये इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। अब वो सेकंड पॉइंट लगाने के बाद दोबारा एक और पॉइंट मांग रहा है कि स्पेसिफिक नेक्स्ट पॉइंट, तो ये कॉन्टिन्यूस लाइन बनाता जाएगा जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे एंड करूँगा कि कुछ ही समझाने के लिए आपको, जैसे यहाँ पे प्रेस एंटर कर दें या एस्केप प्रेस करें तो आपकी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखें जैसे राइट क्लिक से आप एक बॉक्स बना के इसके ऊपर जाएंगे तो लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखें इसके तीन पॉइंट बता रहे हैं, एक इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट, एक मिड पॉइंट इस लाइन का। अब इस इन पॉइंट्स को भी आप पकड़ के आगे पीछे लेके जा सकते हैं, इनके थ्रू ये लाइन जहाँ भी जाना चाहे ठीक है वहाँ पर रख सकते हैं, कॉर्नर से पकड़े लाइन मूव करेगी, डेंट छोटी होगी बड़ी होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे ये देखें कि अगर मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ तो ये स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स में मूव करेगी, एक्स एक्सिस में मूव करेगी या वाई एक्सिस में, ये डायगोनल में मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो फिर ये आप कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। तो ये जस्ट एक हमने लाइन ड्रा करके देखी। अब दोबारा मैं लाइन मेन्यू आइकन में आता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा देखिए नीचे वाले मेन्यू में बता रहा है स्पेसिफिक नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट एक खास तरीके से भी दे सकता हूँ, वो ये है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा एट द रेट का मतलब होता है आप उसकी लेंथ कितना देना चाह रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यूज कितनी। लेट्स सपोज मैं देना चाह रहा हूँ कि 120 120
120 की लाइन की लेंथ होनी चाहिए, लेकिन अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि 120 जो लेंथ है इसका एंगल कितना होना चाहिए। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके ये ग्रेटर दैन साइन बनाऊंगा एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री कर देता हूँ, और मैं जस्ट एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें इसने एक लाइन लगा दी है। ठीक है, मैं अपना रोलर माउस को घुमाता हूँ, ये रोलर माउस को घूमने के बाद बता रहा था कि आपने 120 लाइन लगाई है, ये फुट है इंच है वो भी छोड़ दें कितना है वो मैं बताऊंगा आपको लेटर ऑन, लेकिन इसने 60 डिग्री पे इस स्टार्टिंग पॉइंट से 60 डिग्री पे एक लाइन लगाई जिसकी लेंथ 120 है। एक तो ये तरीका हो जाता है। दोबारा इसके प्रेस करके अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, दोबारा इसके पैरेलल में ही एक पॉइंट ले लेता हूँ और मैनुअली जाऊँ ऊपर यहाँ पे, तो भी मैं इस तरह लाइन लगा सकता हूँ। तो उसके आप देखें वैल्यू नीचे आपको यहाँ पे चेंज होती नजर आएगी, यहाँ पे एक्स वाई ट्रायंगल, ये जेड एक्सिस जीरो है हमारा क्योंकि जेड एक्सिस में अभी हम जा ही नहीं रहे, तो ये जहाँ भी जाएंगे वैल्यू जीरो ही आपको शो करेगा। देखें तो आपको जस्ट एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू देखनी है। अब जैसे मैं इस पॉइंट पर पहुंचूंगा तो देखें अप्रॉक्सीमेट 128 बता रहा है नीचे ये वैल्यू, यहाँ पे देखिए 128 बता रहा है, क्योंकि हमने थोड़ा सा डिफरेंस भी डाला है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाके, इनिशियल पॉइंट लिया और यहाँ तक फाइनल पॉइंट लिया, तो थोड़ी सी लेंथ में 120 से 128 उसने कर दिया। इसका मतलब ये है कि हम रफ पॉइंट भी ले सकते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट भी ले सकते हैं, और अगर कोऑर्डिनेट के थ्रू लेना है तो जस्ट आप यहाँ पे आके एल लिखें और एंटर करें, तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट के बाद आपको सारी लेंथ भी बताएगा कि आप कितने एक्सेस में जा रहे हैं, 72 पे जा रहे हैं, एट द एंगल ऑफ जीरो पे जा रहे हैं, ये देखिए एट द एंगल ऑफ यहाँ पे आएंगे तो आपको 90 बताएगा, इस तरफ आएंगे तो ये 180 बताएगा, नीचे आएंगे तो आपको 270 बताएगा। इस तरह हम लाइन को डिफरेंट तरीकों से लगा सकते हैं। ये तीन मेथड होते हैं, एक आइकन से आप कर सकते हैं, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू से यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आइकन, और तीसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आके कमांड लिख सकते हैं एल और ये लाइन ड्रा हो जाएगी। तो अब ये वो मेथड है जिनके जरिए हमने लाइन ड्रा की। तो जो मेरे भाई इस पे काम कर रहे हैं, जो भी मेरी बहनें इसको सीखना चाहती हैं, उसमें ये है कि जब आप लाइन ड्रा करते हैं तो लाइन ड्रा करने के ये तीन मेथड है, ये तीनों मेथड इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस लाइन को भी ड्रा कर सकते हैं, मल्टी लाइन को भी ड्रा कर सकते हैं, पॉली लाइन है, पॉलीगॉन है, तो ये एक मेथड सारों में थोड़ा तकरीबन कॉमन होंगे लेकिन कुछ में वेरी भी करेंगे, लेकिन यह कि इस इंटरफेस को यूज़ करने के तीन तरीके, तीनों तरीकों से आप कोई भी कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आज मैं यहीं तक रुकता हूँ क्योंकि हमने आज स्टार्ट किया था मेन्यू से और कुछ टूल बार्स हैं ये हमारी, तो इन सारों को मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताऊंगा वक्त के साथ साथ। तो अभी मैंने आज आपको लाइन तक बताया, जिन भाइयों को भी मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। तो दूसरा ये है कि मैंने इंस्टॉलेशन भी आपको करके बताई है, ये हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें लाइन कमांड के बारे में हमने पढ़ा। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टॉलेशन नहीं हो रही, कोई क्रैक का मसला है या ऑपरेटिंग सिस्टम का मसला है, वो कमेंट्स में लिख सकता है, उसको मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगा, रिप्लाई भी करूँगा, और अगर लाइन के बारे में अगर किसी को समझ नहीं आया तो उसके बारे में भी वो कमेंट कर सकता है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें बहुत सारे आइकन मैं आपको बताने वाला हूँ, और इंशाल्लाह मेरे साथ बहुत जल्द ड्राइंग्स को बनाना, डायमेंशन को सीखना और सब सीख जाएंगे। तो तब तक लिए इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपका हमें नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।